परिसर में डोलूराम दरबार के पास कुछ अज्ञात लोगों द्वारा दुकान में ताला तोड़कर अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई। सीसीटीवी में ये पूरा मामला कैद हो गया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा ये मामला और जानते हैं दुकान मालिक का। अभिषेक बाबा डोलराम रोड पे ग्राउंड फ्लोर का मैंने शॉप किसको भाड़े पे दिया था, लेकिन उनका एग्रीमेंट मैंने साइन नहीं किया था क्योंकि उन्होंने का डिपॉजिट वगैरह मिला ही नहीं था मुझे। तो मैंने उनको ताबा दे दिया था इंसानियत के नाते, वो लोग ने बोला हम देते हैं। तो उनका जो लेडी थी, मतलब वो जेंट्स जिसको मैंने दिया था राहुल शर्मा, वो राहुल शर्मा से मेरा बात हुआ था। उसने बोला मेरी घर के कुछ लोग भी बैठेंगे। हम बोला ठीक है, हमको कोई उसमें इतना नहीं, बोला स्टाफ में नहीं रखूँगा मैं, अपने घर के लोगों को बिठाऊँगा। उसका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का लाइसेंस दिखा बताया था कि मैं लाइसेंस है मेरे पास, लेकिन मैं बोला वो लाइसेंस का जब तक मेरे पास कापी नहीं आएगा, सब कुछ डिटेल नहीं आएगा, तब तक मैं तुम्हारे से एग्रीमेंट नहीं करूँगा। और उसका एग्रीमेंट मेरा हुआ नहीं था। और उसके बाद उसका चेक भी जो था ये वो बोला बैंक में मत डालो, और उसने डिपॉजिट का पैसा भी नहीं दिया था। तो उसके लिए उसको हमारा एग्रीमेंट है, और उसको मैंने उसी टाइम पे से बोलना चालू और था कि खाली करो खाली करो। तो वो लेडी ने बोला, और उसकी जो सिस्टर थी वो एडवोकेट थी, वो मेरे से मतलब थोड़ा रफली बात कर रही थी और बोलती थी हमारा ये है वो है, और हमारे भाई से बात करो, हमारा भाई आएगा, अभी हमारा भाई दिल्ली गया है ऐसा गया है। और उन्होंने जो नाम बताया था राहुल शर्मा, लेकिन उसका राहुल शर्मा नाम नहीं था, राहुल अपना हकीम करके उनकी सरनेम है, वो भी आज न्यूज़पेपर में और इसमें चौकी के अंदर गया। उसके बाद तो ये लोग ने कुछ आपस में जो इधर माफिया लोग हैं जो करते हैं उसके अंदर, अभी हमको मालूम पड़ा कि एक साहब ने बोलता है मैंने दुकान लिया है। अरे भाई दुकान कैसा लिया, मैंने जब बेचा ही नहीं किसको, तुमने कैसा दुकान लिया? तो बोलते हमने हबीब सौदागर से लिया। बोलते हबीब सौदागर से, बोला हबीब सौदागर का एग्रीमेंट दिखाओ। वो एग्रीमेंट दिखाने को तैयार नहीं, और बोले मैं आके ये किया तो मैं पुलिस चौकी गया था सीनियर पीएसआई के बाद। मैंने उनको सब बात बताई कि भाई ऐसा बात है, सीनियर पीएसआई बोलते हैं कि हमको तुम कंप्लेंट दो बाद में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अरे भाई वो तो दुकान तोड़ रहे हैं, वेल्डिंग मशीन लाए, तो मैं कभी अभी एप्लीकेशन थोड़ी अभी दो मिनट में बन जाएगी, समझा? कंप्लेंट तो मैं दे रहा हूँ ना, ओरली कंप्लेंट दे रहा हूँ, कंप्लेंट आप नोट कीजिए ना, समझा? तो उसने फिर उसको मैं बोला पेपर दिखाओ उनको बोलो, तो पेपर भी जो दिखाया वो पेपर प्रॉपर कुछ भी नहीं है, सब बोगस पेपर है। वो पेपर की कॉपी मैंने किसी के थ्रू मैंने लिया है, वो आपको मैं दिखा सकता हूँ। और उन्होंने जो ये अपना ताबा लिया उसमें मेरा पीछे का पोर्शन मेरे पास ही था, मेरा सामान पड़ा था सब कुछ, आगे का पोर्शन में मेरा अलग से बढ़ोतरी था, अपने पड़ोस का ही आदमी था, उसको मैंने इडली का आटा भर बना के बेच रहा था, वो सालों से इधर 10 साल से मेरे पास बढ़ोतरी था, समझा? और उस आदमी को मैंने पहले वो खाली करके सामने शिफ्ट हो गया, क्योंकि इनके लफड़े देख के वो डर गया था, तो उसने सामने दुकान भाड़े पर ले लिया और हमारा दुकान खाली करके गया। वो आगे का पोर्शन मेरा खाली था और पीछे के पोर्शन मेरा सब दुनिया भर का सामान भाड़ा पर है, वो सामान भी ये लोग ने निकाल के मेरे पैसेज में रख दिया और ताबा अपने हाथ में ले लिया। और पीछे दरवाज़ा था वो चाबी मेरे पास थी हमेशा से, मैंने कभी किसको दी नहीं थी, वो चाबी भी ये लोग ने निकाल के ताला तोड़ के उसका वीडियो फुटेज मेरे कैमरा के अंदर आया हुआ है, वो वीडियो के फुटेज मैंने आपको भी दिखा सकता हूँ।